नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित धामपुर की, जहां स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन यानी कि MLC के चुनावों को लेकर धामपुर के अलैपुर ब्लॉक में बनाए गए बूथ पर धामपुर के क्षेत्र विधायक अशोक कुमार राणा ने जाकर मतदान किया और भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने जानकारी देते हुए बताया। और बहुत सारे प्रधान विदेशी सदस्य सभासद चेयरमैन से बात हुई है, सभी लोग सरकार के हाथ में वोट करने के लिए सतपाल सिंह को वोट देने के लिए सहर्ष तैयार बैठे और मैं समझता हूँ कि टोटल 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 7 सीट निर्विरोध हो चुकी हैं, नौ सीटें निर्विरोध हो चुकी हैं। उस स्थिति में मैं समझता हूँ कि हमारी मुरादाबाद बिजनौर की जो ये सीट है स्थानीय निकाय की, ये पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली। बता दें कि बिजनौर में विधान परिषद के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। मुरादाबाद बिजनौर निर्वाचन सीट पर 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला आज मत पेटी में बंद हो जाएगा। चुनावों के दौरान सपा के MLC प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह और भाजपा प्रत्याशी सतपाल सिंह ने बूथों पर जाकर निरीक्षण किया। धामपुर नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता एवं सभासदों ने भी बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात रहा। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।